भाई सभी ना मैं शुगर टेस्ट कराने आया हूँ अपनी, क्योंकि यार मिठाई इतना ज़्यादा खा लिया ना। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं काफ़ी लेट उठा मैं, क्योंकि भाई 3 दिन से जल्दी उठ रहा था और इस वजह से यार आज ना काफ़ी थक चुका था मैं, जिस वजह से ना भाई मैं लेट ही उठा। और मम्मी को पता था भाई, मम्मी ने इसलिए उठाया भी नहीं। बाकी भाई एक चीज़ है कि घर का काम जब करते हैं ना तब पता चलता है कि मम्मी के ऊपर कितना बर्डन रहता है भाई। और भाई एक चीज़ हो रहा है, जब हम बाहर जाते हैं ना जॉब पर तब हमें पापा की परेशानियाँ का पता चलता है कि पापा ने कितनी मुश्किलों से हमारे लिए मीन सब कुछ करा है। तो गाइज़ ये तो है कि ये दोनों चीज़ करने के बाद एक चीज़ तो पता चल गई कि मम्मी और पापा के बिना भाई हम कुछ नहीं है लाइफ में सच्ची में। और गाइज़ आज ना टीचर्स डे है, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि भाई 5 सितंबर है आज, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और गाइज़ कमेंट करके बताना कि कौन कौन अपने स्कूल टाइम में अपने टीचर्स के लिए रोज़ लेके गया है और केक कट कराया है। भाई जब हम स्कूल में थे ना, हम भाई पहले ही प्रिपेयर करके रखते थे सारी क्लास को एंट्री करके पैसे, और अपना केक लेके आते थे टीचर्स को इकट्ठा करके, सभी टीचर्स को जो मॉनिटर होता था वो टीचर्स को बुला लेते थे सबको, फिर केक कट करते थे। तो गाइज़ वो वाले दिन भी बहुत अच्छे थे यार, स्कूल लाइफ भी। और गाइज़ आपको पता ये जाल है ना, जो ये भाई मैंने अपनी सेविंग से लगवाया है, कम से कम ये लगा लो पूरे इस जाल में 1 लाख रुपए लगे हैं, और इस खुड्डे में मिला के 1 से 1.5 लाख रुपए मेरा लगा है। और गाइज़ अपने ना इस चैनल पर 50 वीडियोस हो चुकी है भाई ब्लॉगिंग चैनल पर। और भाई जॉब छोड़ने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, और गाइज मैं अपनी तरफ से 101% कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। और गाइज इट्स अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात है, 7 महीने में मैंने 25 वीडियो बनाई, और कहाँ 1 महीने में मैंने 25 वीडियो और बना दी। ये बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए तो, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हाँ जी गाइज, जस्ट अभी खाना खाया, और भाई खाने में आज दाल चावल बनाए थे मम्मी ने, क्योंकि भाई अपना तो सादा खाना फेवरेट है। और भाई मम्मी को मैंने ऐसे कल कहा था रात को कि आप खाना बना लो, क्योंकि भाई काफ़ी दिन से मम्मी के हाथ का खाना खाया नहीं था। तो मम्मी बोले कि अभी तो तुम बाहर से ले आओ, मतलब कल मैं बना दूँगी खाना। तो भाई आज मम्मी ने दाल चावल बनाए, और भाई ये देखो यार सर में ना ये वाइट बाल भी आ गए, पता नहीं कैसे आ रहे यार ये सर पे वाइट बाल। आई थिंक ये सबको ही है मेरे हिसाब से, मैंने जिसको भी देखा है ना उसके ही वाइट बाल आ रहे हैं। भाई आपको पता जहाँ हम रहते हैं ना भाई, यहाँ मैं आराम से व्लॉगिंग नहीं कर सकता चैन से, क्योंकि भाई सुबह मैं उठता हूँ मैं सोचता हूँ व्लॉगिंग करूँ, बट सुबह लोगों की इतनी मोटर चल रही होती है भाई, लोगों की मोटर की इतनी साउंड है ना भाई, मतलब बड़ी ज़्यादा साउंड। और फिर मतलब वही फिर अपना ऊपर जाके व्लॉगिंग करो जब मोटर बंद हो जाए लोगों की, फिर अपना जैसे दोपहर को व्लॉगिंग करो, फिर दोपहर को वही पानी आने का टाइम, फिर पानी आने के बाद वही लोगों की मोटर चलनी स्टार्ट। तो गाइज इस वजह से मैं शायद, और अभी भी मोटर चल रही है बट शायद आपको साउंड आए या ना आए। गाइज थोड़ा ना आप मेरे को रेकमेंड करो कि कौन सा माइक मेरे को लेना चाहिए, मैं ना कन्फ्यूज़ आ रहा हूँ बोया और रोड में। ये रोड है 5-10 हज़ार का, तो रोड का माइक आएगा, बोया का 2 हज़ार का माइक आएगा। और दूसरी बात ये है कि बात ये नहीं है कि 2 हज़ार और 5 हज़ार, बात ये है कि मैं एक ही बार ही लेना चाहता हूँ माइक, जो मतलब मेरे आगे भी काम आए, आगे यूज़ हो जाए, मतलब जिसका ये नहीं कि मतलब 2 हज़ार का ले लिया उसका इतना यूज़ नहीं है, फिर 5 हज़ार वाला लिया उसकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है। तो गाइज़ थोड़ा आप भी मेरे को गाइड करो। और गाइज़ आज ना टीचर्स डे है, तो अभी ना हम अपने सर को फ़ोन लगाते हैं और सर से बात करके देखते हैं, और सर को विश भी करते हैं। शास्त्री सर, और गाइज फोन लगा दिया, शायद आपको साउंड आए या ना आए वो देख लेना आप। हेलो हेलो सर, जय श्री राम, राधे राधे, ठीक हो? ठीक हो सर आप? मैं ठीक हूँ सर। हाँ जी आप ठीक हो? सर अभी तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। और हाँ जी हाँ जी सर, हैप्पी टीचर्स डे। सर स्कूल में होते तो आपके लिए केक लेके आते, अब स्कूल में तो हम रहे नहीं। कोई नहीं। हाँ जी, और आप ठीक हो ना सर? ठीक है बेटा, अभी वो कर रहा हूँ जरा। ओके 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 सर, थोड़ी देर बात करता हूँ। ओके सर ओके। तो गाइस बात तो हो गई है, मतलब ये लगा लो 1.5 साल बाद ही मैंने फोन करा होगा सर को भाई। तो गाइस अभी ना मैं शुगर टेस्ट कराने आया हूँ अपनी, क्योंकि यार मिठाई इतना ज़्यादा खा लिया ना भाई काफ़ी दिन से,
जिस वजह से भाई थोड़ा सा ना अजीब सा हो रहा था, तो एक बार शुगर टेस्ट करा लेता हूँ। निडल नहीं लगाई हो? एक मिनट बात करना पड़ती है। सो आया, देखना सही है क्या? हाँ सो तो ठीक है, परफेक्ट है। तो गाइस जस्ट अभी मैं आया था घर अपना शुगर टेस्ट करा के, भाई शुगर तो सो आई है, बिल्कुल वो नहीं बता रहे कि नॉर्मल है। गाइस इस साल मतलब इस साल कह लो या इस महीने कह लो, मैंने इतना मीठा खाया है ना भाई जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि भाई मेरे को मीठे की बहुत ज़्यादा गंदी हैबिट है। मीठे की तो भाई मेरे को इतनी क्रेविंग हो जाती है ना खाना खाते ही कि मेरे को मीठा चाहिए भाई कुछ ना कुछ। और गाइस आज ना थोड़ा मूड सा भी अपसेट हो रहा है, क्यों पता नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। पर जा रहा हूँ छत पे कपड़े उतारने और उसके बाद आगे नीचे खाना खाएंगे और भाई देखते हैं क्या कुछ बना है। एक बार भाई कपड़े उतार लाऊं मैं ऊपर से जाके। और गाइस कपड़े उतार लिया ऊपर से और भूख लग रही है बहुत तेज भाई। मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना डाल दो। और गाइस ये बैठे सब, शाम को बैठ के अपना इवनिंग टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं हम सब। और भाई टीवी तो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि भाई मेरे को व्लॉग शूट करना था, तो फिर पीछे से कॉपीराइट ना आ जाए, इस वजह से टीवी बंद करके ही शूट करता हूँ मैं सारा। तो गाइस ये बैठे पापा जी मम्मी जी और छोटे अभी जिम से आया। मम्मी खाना डाल दो। आज मम्मी ने ना तोरी की सब्जी बनाई है और भाई बहुत बढ़िया बना रखी। वैसे मैं खाता नहीं तोरी की सब्जी, बट आज मम्मी ने अच्छी बनाई ना तो इसलिए मैं खा रहा हूँ भाई। और गाइस आज ना थोड़ा मूड भी अपसेट था क्योंकि भाई आपको पता है कि यार थोड़ा ना हो जाता है भाई इस एज में आके ना, थोड़ा होता ही है भाई सबके साथ है ये सिचुएशन। बट कोई नहीं यार, अपन ने हार नहीं माननी भाई, कुछ हो जाए अपन ने लगे रहना है जिस चीज़ में लग रहे हैं ना। करत करत अभ्यास भाई, जड़ मत हो सुजान, ऐसे कुछ पापा मेरे को बता रहे थे। और गाइज इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। अगर गाइज मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो आगे। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। बाबा पकड़ रखी है, भाग भी नहीं सकते।